तुम्हारा? आपका क्या नाम है? मुनि। ये क्या मामला है, कितना पानी आ गया है? बस सब बारह बारह ही हुए हैं भैया, सब भरा हुआ। नहीं, कितने दिन से बाढ़ आई आपके गांव में? दस दिन से आ गई होगी बाढ़। दस दिन से बाढ़ आ गई। आप लोगों को खाने पीने का क्या इंतजाम है, कैसे क्या करती हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अलवर। कहाँ से आ रहे हैं आप? कटरी धर्मपुर। अच्छा, कटरी धर्मपुर में आप पैदल आ रहे हैं, कैसे क्या दिक्कत हो रही है आपको? पानी बाढ़ कितनी आई? बाढ़ बहुत ही भैया, दिक्कत है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? दवा लेने जा रहे हैं, पानी से गुजरना पड़ रहा है। कौन से गांव में रहती हो? धर्मपुर कटरी। क्या समस्या, कितने दिनों से आपके गांव बाढ़ आई आपके? एक महीने से पानी भरा हुआ है, ना तो प्रधान सुने, ना सेक्रेटरी सुने, ना लेखपाल सुने, शायद मीर अब वो सुरेश चंद है वो भी नहीं सुनते हैं। आए थे एक बार, कहते कुछ नहीं है तुम्हारे गांव। इस गांव में कितने मकान बने हुए हैं, कितनी मंडियां पड़ी हुई हैं? कुछ तो विकास बने हुए हैं, बहुत सी मंडियां पड़ी हुई हैं। लगभग कितने मकान होंगे पूरी गांव में? कितने लगभग कितनी गांव में कितनी आबादी होगी? 200 बने हुए हैं। तो 200 घरों सब में पानी भरा है? हाँ, सब में पानी भरा हुआ है। अच्छा, अभी जिले का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आया आज तक? नहीं, आज तक विधायक सांसद आए ना वो देखो रे मेजर आए मतबल ना मेजर आए ना वो सांसद आए, यहाँ अधिकारी कोई बच्चा ही नहीं आया। तो इसीलिए आज आप लोग तहसीलदार आए ना कहानी कोई आए, इसीलिए आज आप लोग घर छोड़ने को मजबूर हो? इसीलिए हम लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं भैया। जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, पानी में गिरे क्या? खाना पीने कहाँ बनाती हैं? खाना पीना बच्चे भूखे हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं। अब एक पुलिया के पास एक मिट्टी भी हो गई, उनको तक नहीं देखने आए। बड़ी मुश्किल हम सूचने करी तो क्या वो बाढ़ के पानी में डूब के डूब गया। समस्याएं यहाँ गलत हैं भैया, बहुत आदमी बहुत परेशान है, और एक तो खेती टपरिया भी नहीं, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए, कौन से गांव से? ये आपके गांव बाढ़ आई है काफी दिनों से? गांव कटे थे, पूरे गांव कट रहे, तो आप लोग घर भी चले गए होंगे? आप इस पानी से निकलने कितना बड़ा खतरा है? अभी तक जिले के अधिकारी कोई यहाँ मौके पर आए, या विधायक या प्रतिनिधि कोई? कोई हमारी कोई गांव की सुनते ही नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही हैं इस समय? अब बाजार जा रहे, हमारे लल्ला की चोट लग गई। तो इस पानी से गुजर के जाना पड़ रहा है आपको? किसी अधिकारी ने अभी तक सोच नहीं ली? कोई नहीं ले तो भैया।